दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OTT प्लेटफॉर्म Zee5 के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म में के बारे में जानना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक रख देने वाला हूं, तो आप उसे देख लीजिएगा। आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और ऐसे वीडियो आपके सामने पेश कर सकूं। और ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास शायद नहीं होगी और इससे आपको नॉलेज में इजाफा होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं Zee5 के बारे में जानना। दोस्तों, Zee5 एक इंडियन OTT प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत 14 फरवरी 2018 में हुई थी। Zee5 टोटल 12 लैंग्वेज में अवेलेबल है, यानी कि Zee5 जो एप्लीकेशन है उसमें आप टोटल 12 प्रकार की अलग अलग लैंग्वेज के कंटेंट, मूवी और वेब सीरीज देख सकते हैं। Zee5 नेटवर्क पर सबसे पहली वेब सीरीज तेलुगु लैंग्वेज की थी जिसका नाम था नाना कुची, जो 2018 में स्ट्रीम हुई थी। Zee5 है दोस्तों, वो तकरीबन 190 कंट्री से भी ज़्यादा कंट्री में अवेलेबल है। Zee5 एक ऐसा नेटवर्क है जो सिर्फ और सिर्फ US में अवेलेबल नहीं है। उसके पीछे का कारण ये है कि जो Zee नेटवर्क है वो ज़्यादातर इंडियन चैनल्स को ही प्रदान करता है, उसी के कारण Zee5 अमेरिका में अवेलेबल नहीं है। Zee5 का जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र के मुंबई में है और Zee5 का जो ओनर है वो है Zee एंटरटेनमेंट नेटवर्क। अगर Zee5 की अर्निंग की बात करूं तो Zee5 की अर्निंग पिछले महीने यानी कि फरवरी 2021 में Zee5 की टोटल अर्निंग सिर्फ एक महीने की $4,67,000 था। सिर्फ एक महीने की अर्निंग $4,67,000। अब Zee5 की टोटल नेट वर्थ की बात करूं तो Zee5 की टोटल नेट वर्थ है $98.32 मिलियन, यानी कि 600 करोड़ रुपए। Zee5 की टोटल नेटवर्थ 600 करोड़ रुपए के आसपास की है। Zee5 की अगर एक साल की अर्निंग की बात करें तो Zee5 तकरीबन एक साल में $25 मिलियन कमाता है और अगर इसे इंडियन रुपए में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 150 करोड़ से ज़्यादा कमाता है Zee5 हर साल, और ये इनकम हर साल बढ़ते रहती है। Zee5 ने 2018 में उसकी एक YouTube चैनल भी स्टार्ट की थी और आज Zee5 की जो वो YouTube चैनल है उसमें हर रोज 14 मिलियन से ज़्यादा व्यू आते हैं। अगर Zee5 में मूवीज़ की बात करें तो Zee5 में अब तक टोटल 4,500 मूवीज़ अवेलेबल है, यानी कि 4,500 से भी ज़्यादा मूवी Zee5 पे आज की तारीख में अवेलेबल है। अब मैं बात करूँगा कि Zee5 और Zee Plex दोनों क्या है और क्या है उसकी दोनों की अलग अलग विशेषता। एग्जाम्पल के तौर पे हम राधे मूवी को ले लेते हैं क्योंकि राधे मूवी को Zee नेटवर्क ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वही मूवी आपको Zee Plex और Zee5 में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि Zee5 और Zee Plex क्या है। तो सबसे पहले बात करूँ Zee Plex की, तो देखिए राधे मूवी 13 मई को थिएटर में आने वाली है। थिएटर में से मूवी निकलने के बाद थोड़े टाइम बाद ये मूवी आपको Zee Plex पे देखने को मिलेगी, यानी कि जब ये मूवी थिएटर से निकलेगी
तो जी प्लेक्स में आएगी और एक इनकम यानी कि एक टिकट जी प्लेक्स वाले डिसाइड करेंगे कि भाई 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये कितनी रखनी है। तो मान लो अगर राधे मूवी जी प्लेक्स पे आएगी और जी प्लेक्स वाले अनाउंस करेंगे कि भाई आपको राधे मूवी देखनी है तो 200 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो अगर आप 200 रुपये पे कर दोगे तो आप राधे मूवी जी प्लेक्स पे देख सकोगे। तो ये है जी प्लेक्स। कोई भी मूवी थिएटर से निकल के अगर जी नेटवर्क पे आती है तो वो डायरेक्ट जी प्लेक्स पे आती है। वहाँ पे आपको 150 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये जो भी डिसाइड होता है वो अमाउंट आपको पे करके वो मूवी आप देख सकते हैं। वो है जी प्लेक्स। अब बात करूँ जी फाइव की, तो मान लो राधे मूवी जी प्लेक्स पे आई, एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना चली, उसके बाद जी प्लेक्स उसको जी फाइव पे रिलीज करेगा। और जी फाइव तो आपको पता ही है कि क्या है, उसमें ईयरली सब्सक्रिप्शन है, 500 रुपये, 1000 रुपये जो भी है वो आपको पता ही है। तो जी फाइव पर रिलीज होगी तो जिन लोगों ने जी फाइव का सब्सक्रिप्शन लिया है वो राधे मूवी फ्री में देख सकते हैं, और जिसके पास नहीं है सब्सक्रिप्शन वो राधे मूवी टेलीविज़न पे आने का इंतज़ार करेंगे। यानी कि जी फाइव में जब रिलीज होगी मूवी तो वहाँ पे डेढ़ महीना, दो महीना, तीन महीना चलेगी, उसके बाद ये मूवी टीवी पर यानी कि जी सिनेमा, जी टीवी, कोई भी जी की चैनल होगी उस पे वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियम होगा तो उस पे फ्री दिखाई देगी। तो अब शायद आप लोग समझ गए होंगे कि जी प्लेक्स क्या है, जी फाइव क्या है। जी प्लेक्स अगर एक लाइन में बोलूँ तो जी प्लेक्स वो है जहाँ पे कोई मूवी आती है, कोई वेब सीरीज़, कोई मूवी जो भी लैंग्वेज की हो वो आती है तो उसके लिए पर्टिकुलर आपको टिकट लेना पड़ेगा, 200 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये जो भी हो। जी प्लेक्स के निकलने के बाद वो कंटेंट सीधा जी फाइव पे आता है, और जी फाइव पे वो लोग हैं जिन्होंने एक साल का, तीन महीने का, छः महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है 300 रुपये, 500 रुपये देकर, तो वो लोग जी फाइव वाले वो मूवी फ्री में देखेंगे। और जी फाइव में महीना, डेढ़ महीना, तीन महीना रहने के बाद वो मूवी सीधी टेलीविज़न पे आ जाती है, तो वहाँ पे आप फ्री देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा, और ये भी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आगे आपको कौन सी OTT प्लेटफॉर्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए और किस तरह के वीडियो आप देखना पसंद करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई खबर के साथ। धन्यवाद।